नमस्कार। आज का जो इवेक्शन का बारे में जानकारी के लिए आपने पूछा, सही समय में पूछा है। और आपका जो व्यूअर्स है और आज जो देख रहा है और कल परसों भी जो देखेगा इस वीडियो को, और जो भी ईटानगर में रहता है, रूरल एरिया में हो या अर्बन एरिया में, सिर्फ एक ही नियम है सबके लिए कि आप यहाँ कैपिटल में अगर कोई कैटल पाल रहा है तो उसको आप अपना सही जगह में रखना है, पब्लिक प्लेस में उसको नहीं छोड़ना है। खास करके सड़क पे छोड़ने का कारण से एक्सीडेंट बहुत होता है, और ऐसे तो बहुत गंदगी फैलता है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि आप सड़क पे ऐसे छोड़ देता है जो एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसके लिए सरकार और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन समय समय में इसका 133 CRPC से इन्वोक करता है, आप लोग को डायरेक्शन देता है कि स्ट्रे एनिमल को बंद करना है। तो ये एक सिलसिला जो है 2008-09 से चल रहा है, और अभी जो वीडियो देख रहा है वो लोग ज़रूर मालूम होगा आज से 5-10 साल पहले में किस प्रकार से सड़क पे स्ट्रे एनिमल होता है। मेरा हिसाब से नहीं बोल के भी पिछले इतने सालों में 50,000 से ज़्यादा स्ट्रे एनिमल को हमने हटाया। अभी तो आप लोग देखा होगा बहुत कम हो गया, बिल्कुल ही नहीं होना है, ये हमारा कोशिश है। और जहाँ तक बकरा है, सूअर है, वो तो डेली बेसिस में उतारा है, आज भी उताया है, और ये चलते रहेगा। और मिथुन मालिक लोगों से भी रिक्वेस्ट है, गाय का मालिक लोगों को भी रिक्वेस्ट है। गाय भी इधर टाउन में कम ही हो गया, लेकिन शिकायत बस्ती एरिया में है, खास करके जोलंग में है और बुरुम एरिया में है। तो बुरुम एरिया और जोलंग एरिया और बांदरदवा से लेके करसिंगसा एरिया में गाय बहुत है। तो गाय का मालिक लोग बाद में नहीं बोलना है कि आपको यही नहीं बताया गया, तो आपको बता रहा हूँ फिर से कि आप लोग अपना गाय को पालना है तो सही जगह में रखो, बकरा को पालना है, और जहाँ तक कुत्ता का है, कुत्ता को भी काफ़ी हम लोगों ने कोशिश किया पहले, अभी बहुत कम हो गया। और थैंक्स टू दी डॉग लवर्स, उन लोगों ने भी कोशिश किया, इसलिए शायद ये है। मैंने कमिश्नर IMC को चिट्ठी लिखा है, क्योंकि उनका पास जो वेटरनरी ऑफिसर है उनको खास करके कुत्ता के लिए उसको ट्रिंकोलाइजर की ज़रूरत होता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है IMC से कि कुत्ता को भी सड़क से निकालना चाहिए। और जो डॉग लवर्स है वो भी हमारा जो IMC का जो कमिश्नर है और वहाँ का वेटनरी सीनियर वेटनरी ऑफिसर है, उनसे मिलके कुत्ता को भी सड़क से खाली करना है। दूसरा चीज़ है जानवर का, जो अलावा यहाँ हर सड़क पे आपको दिखाई देगा बिल्डिंग मटेरियल्स है जो डंप किया जाता है, जिसका कारण से सड़क जो है पार्किंग एरिया कम होता है। और दूसरा है कि हमारा जो ट्रैफिक, चाहे गाड़ी हो या पैदल जाने वाला, उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए बहुत बार हमने इसको भी हटाया है और ये रेगुलर बेसिस में हटाया जाएगा। लेकिन हमारा दुख यही रहेगा कि आपका जो मटेरियल है, बालू गिट्टी वगैरह जो ईटा है, आपका कुछ भी बिल्डिंग मटेरियल्स होगा, वो चीज़ हटाने से बहुत आपका लॉस होगा, और हमारा भी एक मजबूर है कि वो तो हटाना पड़ेगा। तो आज हमने एक्सरसाइज चिंपू से शुरू किया है, चिंपू से शुरू करके अभी 2 बजे 1 बजे में हमने डी सेक्टर ईटानगर तक हमने गया, और डी सेक्टर का हाईवे में भी एक इशू था, थोड़ा से पोटोल्स एक्सीडेंट हो रहा है बोल के हमने सुबह हाईवे का इंजीनियर से भी बात किया है और TK कंपनी को भी बात किया है, उन लोग उसको पोटोल्स को रिपेयर करने का उन लोग का भी प्लान है बोला। तो उसी जगह पे एक झोपड़ी वगैरह था उसको भी हटाया है, उसका भी कोई शिकायत कर रहा था कि उन्हें नोटिस नहीं दिया गया। नेशनल हाईवे एक्ट का मुताबिक मैं नॉट एज ए DC कैपिटल, मैं एक हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, हमको पावर दिया गया है कि बिना नोटिस से हम जितना भी टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर से RO में जॉब आएगा, मैं उसको हटाने का अथॉरिटी रखता है और हटा दिया है, और बहुत लोगों को हटाएगा। 2017 और 19 का बीच में जो भी इविक्शन हुआ है, आफ्टर डेथ हमारा गूगल मैप है, वहाँ से हम पता चलता है कि नया बिल्डिंग, नया स्ट्रक्चर जो भी आया है उसको एनी टाइम एनी विदाउट इंफॉर्मेशन में हटाया जाएगा। आप लोग अपना से अगर लॉस होना नहीं चाहता है तो नया
स्ट्रक्चर बिल्कुल ही नहीं बनाया। इसके अलावा हमारा मास्टर प्लान फाइनल हो गया है और प्लानिंग अथॉरिटी को, कैपिटल प्लानिंग अथॉरिटी को एम्पावर किया गया है कि जो भी नया बिल्डिंग बनाता है, नया स्ट्रक्चर बनाता है, इवन सड़क जो बनाता है, नाला बनाता है, सभी को परमिशन ऑब्टेन करना है डीसी ऑफिस से। और वो सही प्लान बताना होगा तब तो जाके परमिशन दिया जाएगा। जो सड़क में है वो तो हम जो कर रहे हैं अभी वो करते रहेगा। सड़क का बाहर, मेन सड़क का बाहर में भी जो भी स्ट्रक्चर करा करता है सभी को परमिशन लेना होगा। आपको बिल्डिंग बाइलो का मुताबिक से बिल्डिंग जो डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जो है, जो भी वो ड्राइंग देता है उसका मुताबिक से बिल्डिंग बनाना है। और जो उसका मुताबिक से जो बिल्डिंग नहीं बनाया गया है उसको भी तोड़ा जाएगा। और प्लानिंग अथॉरिटी का, डेवलपमेंट अथॉरिटी का हिसाब से अभी जो भी बिल्डिंग नया बना रहा है और पुराना बिल्डिंग को भी थोड़ा मॉडिफाइड कर रहा है उसको सभी को परमिशन लेना होगा। और ये नोटिस सभी को ऊपर में दिया जाएगा जो भी स्ट्रक्चर बना रहा है, रास्ता बना रहा है, घर बना रहा है कैपिटल के अंदर में। जैसे कि एक एग्जांपल आपको हम बताएगा, कैपिटल का जो हमारा जो हेलीपैड का आसपास में जो अभी स्ट्रक्चर्स मल्टी स्टोरेज बना रहा है, रात को आप लोग वहाँ में जाके देखिए वो सड़क गायब हो जाएगा आप लोग चलते चलते। और सड़क इतना छोटा है, वो सड़क छोटा में पार्किंग का इश्यूज रहेगा, ड्रेनेज का इश्यूज रहेगा, काफ़ी इश्यूज रहेगा। इसको रिजोल्व करने के लिए अभी हमको मास्टर प्लान को फॉलो करना पड़ेगा। अभी जो लीनियर डेवलपमेंट का कई कारण से अभी आप देखता है कि हमारा जो एरिया में यही पार्किंग का बहुत तकलीफ हो गया, तो एक्चुअली ऐसे नहीं होता है। तो अभी जहाँ जहाँ पॉकेट पॉकेट में जैसे वो हेलीपैड का कॉलोनी का आदमी लोग है, आप लोग कोऑपरेट करिए, क्योंकि वहाँ खुशी खुशी आप जो घर बना रहा है उसका आप इतना मल्टी स्टोरी बना के शायद वो रेंट के लिए बना रहा है, तो रेंट बेचने वाला लोग को तो गाड़ी तो होगा, उसको कहाँ पार्क करेगा? रेंट बेचने वाला बाथरूम में नहाएगा होगा, पानी निकालेगा, किचन में खाना बनाएगा होगा, वहाँ से पानी निकालेगा, उसको कहाँ लेके कहाँ पहुँचाएगा? ये सभी को एक प्लान करके हमको दिखाना होगा। जब हम सेटिस्फाई होगा, टेक्निकल आदमी लोग सबको दिखाएगा, उसको सेटिस्फाई होता है तभी बिल्डिंग बनाने का परमिशन दिया जाएगा। ये सिर्फ टाउन का अंदर में नहीं है, बस्ती भी एक समय में 6-7 बिल्डिंग था, अभी वो 6-7 का जगह में 600-700 बिल्डिंग आ रहा है, अभी पूरा कंजेस्टेड हो रहा है। तो अभी अगर हम इस समय में प्लानिंग अथॉरिटी और जो डेवलपमेंट अथॉरिटी जो ईटानगर का है उससे अगर बातचीत करके अगर हम शहर को डेवलप नहीं करता है, रेगुलेट नहीं करता है, तो ये जो अभी हम इविक्शन जो कर रहा है कंजेशन को डी कंजेशन करने के लिए, स्ट्रे एनिमल जो है उसको अभी हम हटाना शुरू कर दिया है, तो ऐसे करके अभी गार्बेज का इशू रहेगा, वाटर सप्लाई का इशू रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी का इशू रहेगा, हमारा जो खाने पीने का चीज़ का इशू रहेगा, सबको रेगुलेट करने के लिए हम हमारा जो यहाँ जो बिल्डिंग बनेगा वो बिल्डिंग को भी रेगुलेट मेन करने से सब अरेस्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम जो आराम से अरेस्ट हो जाएगा। इसलिए ये इविक्शन आज जो किया है इसको नहीं करने के लिए हमारा दूसरा चॉइस है, प्लान है, वो आप लोग जितना भी कंस्ट्रक्शन करता है बंद करो और परमिशन लो। सर ये एनिमल एविक्शन के बारे में क्वेश्चन है सर, अगर कोई वायलेटर्स मिल जाता है तो उसको किस तरह का पेनल्टी है? अभी देखिए जो है 133 CRPC में हम कर रहा है, वो हमारा पब्लिक प्रोमाइसेस एक्ट में भी प्रोविजंस है, तो हम पब्लिक प्रोमाइसेस एक्ट में प्रोविजंस में अगर हम इविक्शन कर स्ट्रे एनिमल को नोटिस देता है तो उसका ऊपर में कार्रवाई करता है, तो जो वायलेट करता है उसको JMC कोर्ट या CGM कोर्ट में उनका अगेंस्ट में हम लोग कंप्लेन देगा, तो उसका अंदर में ये है कि पेनल्टीज जेल भी, जेल दो महीना या 3 महीना का जेल होता है। अगर अभी हम 133 CRPC का वायलेशन जो अभी किया है अभी उनका ऊपर में अगर हम रेगुलर FIR लॉज करेगा, अरेस्ट करेगा, तो उसका भी चार्जशीट करके रेगुलर कोर्ट में ट्रायल करेगा, 4 महीना का जेल है 188 IPC के अंदर में। तो ये सबको भी पब्लिक को जानना चाहिए, एक बार 133 CRPC में आपको कंडीशनल ऑर्डर दिया जाता है कि इस तरह एनिमल पब्लिक प्लेस में घूमने नहीं देना है, देन उसका बाद हम नेक्स्ट एब्सोल्यूट ऑर्डर बना के इविक्शन शुरू करते हैं। जैसे आज
आज नहीं है, बहुत दिन से कर रहा है, तो ये सिलसिला चलते रहेगा। और जो लोग इसको वायलेट करने का बाद भी यहाँ थोड़ा से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो उसको FIR लॉज करके जेल में भेज दिया जाएगा। उसके बाद पुलिस चार्जशीट बना के केस बनाएगा। अदरवाइज़ हम भी CRPC का 200 जो सेक्शन है उसमें भी हम जो रेगुलर कोर्ट में हम एक एप्लीकेशन दायर करेगा कि मेरा ऑर्डर को पालन नहीं किया है, इसलिए उनको कंटेम्प केस करके उसको 188 IPC का अंदर में उसको पेनल्टीज और जो होता है उसको देने के लिए अपील किया जा सकता है। सर, जब एनिमल एडिक्शन का स्ट्रे एनिमल्स के एडिक्शन का बात आ जाता है तो एनिमल क्रुएल्टी का भी एक सवाल आता है, तो उसको आप लोग कैसे मेंटेन करते नहीं हैं? नहीं एनिमल क्रुएल्टी का सवाल ही नहीं आता है। हम जब तक उसको क्रुएल्टी का कोई ओपेंस ड्रॉ नहीं किया, हम कहाँ से क्रुएल्टी का ये एक्शन हुआ, हमने उताया, अच्छा से उताया, अच्छा से लेके आया, अच्छा से उसको ऑक्शन करके जो है डिस्पोज कर दिया। तो इसमें नहीं है कहीं आप उसको, एक्चुअली कभी कभी इमरजेंसी होता है, कोई कुत्ता जो है पागल हो जाता है, किसी को कटने लग जाता है, देन हम लोग सूट एट साइड ऑर्डर भी हम लोग 144 CRPC ड्रॉ करता है। तो ये उसमें सवाल आ सकता है कोई लोग कि ये क्यों ऐसे मारा जा रहा है, तो इसलिए ऐसे कोई इशू नहीं। सर, फायर इंसिडेंट को लेके अभी भी कुछ सवाल है, हाँ पूछो पूछो पूछो। क्योंकि आप गवर्नमेंट का तरफ से तो अभी रिलीफ फंड्स वगैरह हाँ सब जी रिलीज कोई किया, इशू नहीं है। फिर भी सर एक सवाल रह जाता है कि विद इन 5 मीटर्स सर वो हाँ ऑफिस में रह के वहाँ से अगर पानी एक्सटिंग्विश कर सकता था उसको, तो ये फेलियर जो सर कहाँ में आ रहा है? ये क्या फायर डिपार्टमेंट को फंड सफिशेंट नहीं दिया गया था क्या? उनका पास इक्विपमेंट्स जो मशीनरीज जो कमी रह गया था, क्या कारण था सर उसके बारे में? नहीं, आप जो बोला है वो तो इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, और इसको लेके हम लोग काफ़ी चर्चा किया है, पब्लिक का साथ भी चर्चा किया है, ऑफिसर का साथ भी चर्चा किया है। इसमें यही है कि वो एक नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी का अंदर में सरकार और फायर डिपार्टमेंट ने जिस ऑफिसर को तैनात किया गया उस समय में, उनको सस्पेंड किया गया है। वो है एक फर्स्ट स्टेप है, देन इंक्वायरी चल रहा है उनका अगेंस्ट में। अगर इंक्वायरी में अगर पता चलता है कि वो ग्रॉस नेग्लिजेंस किया है तो उसका पेनल्टीज होता है, सस्पेंशन का बात है, आपको टर्मिनेशन भी हो सकता है, रिमूवल भी हो सकता है, वो माइनर माइनर पेनल्टीज होता है, मेजर पेनल्टीज पेनल्टीज होता है, वो सरकार डिसाइड करके उनका ऊपर एक्शन और कार्रवाई करेगा। अगर लगता है कि कुछ भी गलती नहीं किया है देन वो रिवोक हो जाएगा। वो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट जो है FIR जो लॉज किया हमारा पुलिस थाना में, उसका ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसे भी हो सकता है कि किसी ने आग लगाया, कोई लोग बोला है बम पटा के, कोई लोग जानबूझ के लगाया, उसका ऊपर भी इंक्वायरी चल रहा है, बहुत स्पीड में चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन जो है, तो उसका भी जब रिजल्ट आता है उसका एक सिस्टम है, वो सिस्टम में पनिशमेंट होता है वो हो जाएगा। तीसरा चीज़ जो होता है कि उन लोगों का जो रिलीफ का बात है, तो रिलीफ का बात भी काफ़ी चर्चा किया है। आज भी हम लोग एक मीटिंग लिया है कानून बनाने का, जहाँ पे हम लोग स्टेट गवर्नमेंट जो है एक ड्राफ्ट एक तो कानून बना रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके, और इसको रिकमेंड करके स्टेट गवर्नमेंट सेंटर में देगा, फिर ये होगा। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर में जो रिलीफ मिलना चाहिए उसका एक फॉर्मेलिटीज़ होता है, उसको हम लोग कर रहा है। ऐसे तो मोर देन 1000 एबोव का लिस्ट हम लोग को मिला था, तो वहाँ पे हम लोगों का जो जब इसको एग्जामिन किया तो 500 एबोव 600 का आसपास ऑलरेडी हम लोगों ने इमीडिएट रिलीफ को हम लोग ट्रांसफ़र कर दिया है, वो तो अकाउंट में चला जाता है। तो रेस्ट जो डॉक्यूमेंट सही नहीं है उसको अभी जो एप्लीकेंट को भी बुला के हमारा कमिटी जो असिस्टेड बाय दी कॉर्पोरेटर्स, कॉर्पोरेटर जो होता है वहाँ का, उसका बाद वहाँ का मार्केट कमिटी होता है, और वहाँ का जो विक्टिम वेंडर्स लोग है उनका भी कुछ मेंबर्स है, और हमारा ADC है, डिजास्टर मैनेजमेंट का ऑफिसर है, और वहाँ हमारा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सभी लोग उसके ऊपर में अभी काम कर रहा है। और उसका बाद जो वहाँ जो प्रॉपर्टी डैमेज हो गया है
वो दिमेश को भी असेसमेंट का कमेटी बना दिया है, वो भी लास्ट इस वीक से वहाँ पे उसका भी चल रहा है असेसमेंट का भी। वो एक रिपोर्ट बना के जिसका डैमेज, घर डैमेज हो गया, प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, उसका असेसमेंट भी बन जाएगा। बनने के बाद फिर सरकार को हम लोग इसको रेकमेंड करके भेज देगा। तीसरा जो है, अभी जो पब्लिक जो है डोनेशन दे रहा है, कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उसको लेके भी अभी काफ़ी मार्केट कमेटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स लोग हेल्प कर रहा है, उसका भी रेगुलेट कर रहा है हमारा ईएसई नाहरलगन जो है, कि जिसको मिलना चाहिए मिलना चाहिए, तो जो कलेक्शन है, तो ये सब चीज़ चल रहा है और ठीक से चल रहा है। और लास्ट जो चीज़ करने का है, स्मार्ट सिटी का एक्सटेंस, अभी यहाँ अभी बैठा हुआ है मेरा साथ में, दूसरा काम के लिए आया होगा, तो अभी वो बिल्डिंग जो अभी बनने जा रहा है, तो बिल्डिंग जो बनने जा रहा है उसको लेके उन लोग को अल्टरनेट एकोमोडेशन के लिए डे वन में वो सीईओ, एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऑनरेबल एमएलए, ऑनरेबल मेयर, कॉरपोरेटर्स, मार्केट कमेटी और बिग टीम का जो मेंबर, सभी लोग बात करके उसको अल्टरनेट एकोमोडेशन के लिए हेलीपैड का उधर काम तो शुरू हो गया ना, काम तो पूरा शुरू हो गया है वहाँ शिफ्टिंग के लिए, और इन लोग का वहाँ पे अपना जो कंस्ट्रक्शन का काम को जल्द से जल्द उन्हें शुरू करना है, ताकि उन लोग को अच्छा एक बिल्डिंग मिलेगा, सुंदर मिलेगा, और पूरा अच्छा, सिर्फ मतलब अच्छा का मतलब होगा बाथरूम टॉयलेट से लेके फ्लोर का कंडीशन से लेके अच्छा उन लोग को मिलेगा। तो ये स्मार्ट सिटी का अभी एक्सटेंस अभी यहाँ आया बैठा हुआ है। इसी लाइन में अभी हम लोग गंगा मार्केट का भी बातचीत हो गया है, उसमें भी मार्केट का मेंबर्स लोग भी एग्री हो गया है उसको बना देने के लिए। तो यहाँ अभी स्मार्ट सिटी जो है, जो क्लॉक टावर एरिया है, इसको एक सुंदर एम्बियंस बनाएंगे, जहाँ लोग जो है शाम को चाय पियेंगे, अच्छा से वॉक करने का एरिया डेवलप किया जाएगा। तो वहाँ का जो वेंडोर्स है, पहले वहाँ जो गंगा मार्केट में ऑलरेडी जो वेंडोर्स बैठा हुआ है उनको पहले एकोमोडेट किया जाएगा, उसका बाद रेस्ट जो बैलेंस होता है जो आरके मिशन एरिया, ये एरिया को भी कोशिश किया जाएगा कि वहाँ एकोमोडेट करके, तो कैपिटल का एक लुक्स बहुत अच्छा रहेगा। तो उसी के लिए अभी जो आज भी हमने डी सेक्टर जो आईजी पार्क जाने का जगह में जो परपति जो था उसको भी थोड़ा हटाया है, पार्किंग एरिया जो रास्ता का आरओ का अंदर में, और कुछ गुमती था उसको भी हटाया गया है। तो ये कंटिन्यू करेगा कि आप चिंपू से लेके ये हमारा पपूनाला तक, इस एरिया में सड़क का चारों तरफ, अभी जैसे अभी कुछ दिन का बाद अभी जो गाय का मीट और मछली का और मुर्गी का मीट सड़क सड़क पे जो कर रहा बेच रहा है, उसको भी एलिमिनेट किया जाएगा। एलिमिनेट मतलब हम नहीं चाहता है कि मीट का इशू हो, उनको इस ढंग से रख दिया रखा जाना चाहिए, तो देखने में भी लुक अच्छा रहेगा और वो हाइजेनिक भी होगा। और आप जैसे गाय का मीट एक ऐसे जैसे हमला का हिंदू लोग होता है वो अच्छा नहीं लगता है, उसका सामने में काट के उसका लटका के पूरा खून दिखा के खाना वो सही नहीं लगता है। मैंने इसका ऊपर भी कार्रवाई किया है, अभी बहुत कम लोग कम है, थोड़ा दूर भी शिफ्ट किया है, लेकिन ऐसे नहीं होगा, उसको भी हम लोग इविक्शन किया जाएगा, सेक्टर सेक्टर में लास्ट में जाएगा, पहले हाईवे को हम ठीक करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग का कोशिश रहेगा, अभी स्मार्ट सिटी का द्वारा भी हम लोग काम कर रहा है, और म्यूनिसिपल भी अपना जो काम है, कल भी परसों भी सीएस मीटिंग लिया है म्यूनिसिपल को, कि वो जितना भी गंदगी है हाईवे में जो मिलता है, सेक्टर रोड मिलता है, इसको होना नहीं चाहिए, वो कमिश्नर को बात किया है। तो ओवरऑल सरकार जो है एक कैपिटल को एक सुंदर देखना चाहता है। तो अभी जो ये अभी हमारा जो नाहरलगन का मार्केट का जो है, एक एंट्री पॉइंट में बहुत खराब देखने में लगता था, तो अभी जो ये बिल्डिंग बन जाने से तो सारा वो वहाँ एकोमोडेट होने का बाद वो जगह इतना नीट एंड क्लीन हो जाएगा। रेस्ट आपको बंदरदवा से लेके चिंपू तक, जैसे ही फोर लेन कंप्लीट होगा, अभी लोग काफ़ी धूली का बात बोल रहे हैं, फिर बारिश होने से बुखार का बात बोलता है, मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि ये पैकेज बी और सी जो बंदरदवा से लेके निर्जुली तक पैकेज सी है, निर्जुली से लेके पपूनाला पैकेज बी है, तो यहाँ पे जो है हमारा जो वहाँ का एजेंसी है उसका 3 साल का जो हम लोग का एग्रीमेंट पीरियड होता है,
पब्लिक को समझना चाहिए कि ये 3 साल का जो एग्रीमेंट में उन लोग का एक टारगेट हम लोग को फिक्स करता है पीजी के लिए अचीवमेंट को, उस हिसाब से अभी हमें जो दिया गया है कि वो अचीवमेंट जो है टारगेट से आगे जा रहा है। तो अभी हमें मार्च में बांदरद्वा से लेके ये करसेंसा का पूरा रोड को 100% हमको हैंड ओवर हो जाएगा। तो आप देखिए वो तो मार्च कितना है, अभी भी जो लोग उधर से जा रहा है देख लो प्रोग्रेस जो है इतना सुंदर से प्रोग्रेस कर रहा है। पैकेज सी जो है, पैकेज सी में फिर करसेंसार से लेके जो निर्जुली जो नदी नदी से जो अभी बायादक जो बन जा रहा है वो 4 लेन होगा, तो उसका भी जो फिजिकल अचीवमेंट जो है टारगेट से बहुत आगे जा रहा है। तो हमें कहा गया है कि सितंबर 23 तक हमको दे देगा, बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। तो उसका बाद तो पैकेज बी में अभी आप देखिए निर्जुली से अभी लेकी का जो है लोग बहुत शिकायत कर रहा है, लेकिन वहाँ में काम दिखाई नहीं देने से भी प्रोग्रेस जो है, मेन प्रॉब्लम जहाँ कहाँ में होता है ड्रेन और कालबट का। तो अभी आप देखिए वहाँ में कालबट जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, ड्रेन भी चल रहा है। तो ये जो है वो कंप्लीट होने के बाद वो जस्ट वहाँ में आप गिट्टी बिछाओ, रोलर चलाओ, फिर काला तेल लगा दो, बस इतना ही होता है। तो हमको मार्च तक अगर लेखी तक हमको बंदर कोंकर नाला तक मिल जाएगा। तो कोंकर नाला से लेके जो पप्पू नाला का जो फ्लाई ओवर होगा, नीचे में 4 लेन ऊपर फ्लाई ओवर 2 लेन का, इसका थोड़ा से इश्यूज है। तो वहाँ हम जो एक लेखी से और रेलवे ब्रिज जो बना रहा है एक डाइवर्सन वो एक पॉइंट है। दूसरा है कि हेलीपैड से जो हेलीपैड से बुरम बुस्ती ये सोध बुस्ती जो निकल रहे हैं, तो ये 2 हमारा डाइवर्सन है। क्योंकि हम जो फ्लाई ओवर जो है ये बहुत आई थिंक नॉर्थ ईस्ट में सबसे लॉन्गेस्ट होगा, 4 किलोमीटर का है। तो ये जो फ्लाई ओवर बनेगा तो लोगों को तकलीफ नहीं होना है, तो इसलिए ये जो डाइवर्सन जो ब्रिज है ये हमको ये नवंबर तक हमको देगा बोला। रेलवे स्टेशन का भी वो एक्चुअली मार्च में दोनों देने का था, तो दोनों दे देने का बाद हम आराम से इधर डाइवर्सन करके वो हमारा फ्लाई ओवर का काम करेगा। उसको लेके फिर हमारा जो ये पप्पू नाला से जो हमारा फ्लाई ओवर का काम चलेगा वहाँ में भी जैसे यूपिया से आता है या नौर लोगों से आता है थोड़ा वो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए एक रोड जो है अभी ऑलरेडी एफसी हो गया है, अभी वो कलबाट वगैरह वो रह गया, वो जो है दोनों पोलो जो रास्ता जाता है वो आप बुरम से होके आ सकता है लेकी रास्ता से होके, नोहर लोगन हेलीपैड से होके आके आप यहाँ से सीधा वो दोनों पोलो रोड में आके जा सकता है। जब हमारा जो बेंजामिन होटल से जो मॉडल विलेज तक फ्लाई ओवर जो बनेगा, तो हम पब्लिक का इनकन्वीनियंस को भी देखना होता है। इसी बीच में ये बात फाइनल किया गया है कि आपको पप्पू नाला से जो मॉडल विलेज एरिया ये ए सेक्टर बोलते हैं वहाँ तक का वो रिकार्पेटिंग करने का था। तो रिकार्पेटिंग काम उस दिन भी ट्राई किया था, हम भी खुद भी करा था रात को। जैसे ही वो रिकार्पेटिंग यूपिया त्राई जंक्शन में करने किया तो बारिश आ गया, तो वो फिर बारिश आ गया तो काम रुक गया। तो शायद अभी काम रुका है या बारिश आने का बाद जो एक मीडिया में भी एक देखा था एक सिटीजन जो है पूरा बालू ऐसे उठा के खराब हुआ है वो क्या ना। तो उस दिन मैं वहाँ कराता है तो काम वहाँ शुरू हो रहा था कि फिर बारिश आ गया। और ये बिटुमिन का काम बारिश जो है दुश्मन होता है, तो एक तरफ से पब्लिक भी सही बोलता है, दूसरा तरफ से ये कंस्ट्रक्शन इंजीनियर लोग का और एजेंसी का बात भी जो वहाँ देखता है वो समझता है, नहीं देखने से गाली ही गाली होता है। तो ये जो रास्ता को अभी ए सेक्टर से लेके पप्पू नाला को एटलीस्ट अभी जो 2 लेन है उसको प्रॉपरली बनाया रिपेयर किया जाए, तो हमारा चीफ सेक्रेटरी जो है क्लियरली हाईवे चीफ इंजीनियर को मीटिंग में बोला गया है कि रिजल्ट चाहिए ना, आप क्या तकलीफ है वो तकलीफ मतलब नहीं है, रास्ता तो सही होना चाहिए। तो सरकार बहुत स्ट्रेस दे रहा है, पब्लिक को समझना चाहिए कि हम लोग ऐसे नहीं बिता है। तो काम के लिए सड़क अच्छा होना है, पब्लिक कन्वीनियंस होना है, कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अरुणाचल में 8 महीना जैसे आपका बारिश होता है, अभी देखिए नवंबर तो बारिश होने का नहीं होता है, इधर में भी हो जाता है, अक्टूबर ऐसे ही चला गया, तो अभी दिसंबर जनवरी भी पता नहीं बारिश कैसे होगा। तो इसलिए पब्लिक से मेरा रिक्वेस्ट है कि ज़रूर अच्छा रास्ता मिलेगा, थोड़ा
समय थोड़ा अभी थोड़ा लग सकता है। हम सभी को मालूम है कि हमारा ऑनरेबल एमएलए लेट चंबे तसे एक बहुत ही अच्छा इंसान था। सिर्फ अच्छा इंसान नहीं, बहुत एक अच्छा लीडर था। उनका जो देहांत का समाचार हमारा कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जितने भी जनता है सभी लोग ने दुख प्रकट किया है, सोशल मीडिया में भी देखा है और आपस में भी ऑफिस में भी, हर ऑफिस में, हर मार्केट एरिया में सभी लोग बहुत दुख है। और आज ऐसे घड़ी में हम हमारा कैपिटल का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक की ओर से हम हमारा लेट जम्बे तासी उनको उनको हम सभी का तरफ से दुख, अपना तरफ से भी दुख प्रकट करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनका आत्मा को शांति दे और फैमिली को भी शांति दे। थैंक यू।